नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सोनू टेक में। मैं हूं सोनू और आज मैं बताऊंगा आपको वायर लोड कैलकुलेशन फार्मूला के बारे में। अपने लोड के हिसाब से वायर का सही चुनाव कैसे करें, आज की वीडियो में यही जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और हाँ फ्रेंड, जो है वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, वरना आप लोग वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। अब फ्रेंड्स मान लीजिए, अभी मेरे पास जो है 5 किलोवाट का कोई लोड है, ठीक है। तो हम जानेंगे अभी, आज मैं बताऊंगा आपको सिंगल फेज के बारे में। जो मेरा लोड है वायर लोड कैलकुलेशन फार्मूला फार्मूला है सिंगल फेज वायर लोड कैलकुलेशन फार्मूला सिंगल फेज फॉर कॉपर वायर। कॉपर वायर के लिए बताऊंगा, एल्युमिनियम का बाद में बताऊंगा, थ्री फेज का भी बाद में वीडियो डालूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सिंगल फेज का बताऊंगा, सिर्फ कॉपर वायर का, एल्युमिनियम का और थ्री फेज का अलग बनाऊंगा। तो चलिए अब देखिए, मान लीजिए कोई लोड है हमारे पास, लोड जो मेरा है, मेरा लोड है 5 किलोवाट का। अब ये सिंगल फेज है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट। सिंगल फेज फेज में 220 वोल्ट ही होना है। तो जो क्या होगा कि अगर हमको वायर निकालना है, तो पहले वो जो इमेज, ये जो किलोवाट है, तो इसका एम्पियर निकालेंगे, एम्पियर निकालेंगे तभी तो वायर साइज का चुनाव करेंगे। एम्पियर निकालेंगे और प्लस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये हमारा एम्पियर निकालने से पहले इसका जो है वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। 220 वोल्ट है तो इसमें जो है क्या होगा फ्रेंड्स, वो पावर फैक्टर भी होता है, पावर फैक्टर इसमें इंक्लूड करेंगे। तो पावर फैक्टर का मान जो होता है फ्रेंड्स, होता है वो है पॉइंट, पावर फैक्टर का मान ये है 0.80। पॉइंट अस्सी पावर फैक्टर का वीडियो मैं डाला, उसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो पावर फैक्टर का ये मान हो गया। अभी इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 76 वोल्ट आएगा इसमें। अब जो है 220 में ये पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 176 वोल्ट आएगा ये। अब क्या करेंगे, 176 वोल्ट से, अब ये 5 किलोवाट है तो इसको डिवाइड करके जो इसका एम्पियर निकालेंगे। तो ये 5 किलोवाट का है, तो आप लोग जानते हैं 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो ये हो जाएगा 5 किलोवाट × 1000 बराबर, ये हमारा हो गया 5000 वाट हो गया फिर। तो अब ये जो मेरा 5000 वाट है, 5000 वाट में जो है वोल्ट से भाग देंगे, तो एम्पियर का फार्मूला होता है वोल्ट फैन जो है, ये होता है I बराबर P अपॉन V। अब P क्या है हमारा, ये P हमारा जो है पावर है, ये 5 किलोवाट, 5 किलोवाट यानी 5000 वाट। और ये बोल्ट है, बोल्ट हमारा 220 है, तो ये 220 में हमने ये पावर फैक्टर को इंक्लूड किया तो क्या हुआ, 176 वोल्ट आया। तो अब 5000 को डिवाइड करेंगे 176 से, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 28.40 एम्पीयर फ्रेंड जो है, 29 एम्पीयर के समथिंग आएगा पूरा जो ये हमारा एम्पीयर आया। अभी ये हमारा आई निकला है, एम्पीयर हमारा निकल गया 29 एम्पीयर आया, 29 एम्पीयर जो है आया। यानी कि ये जो है हमारा जो है, इसमें जो हमारा वो जो लोड था 5000 वाट था, उसको जो है 176 से डिवाइड की, तो ये हमारा 29 एम्पीयर का लोड दिखा रहा है यहाँ पे, कि जो है 29 एम्पीयर करेंट ड्रा होगा। तो आप क्या करेंगे इसको जो है, अब वायर लोड कैलकुलेशन के लिए फार्मूला होता है फ्रेंड्स, अब देखिए ये हो गया आई इंटू एल इंटू रेसिस्टिविटी होता है। आई देखिए फ्रेंड्स, आई इंटू एल इंटू रेसिस्टिविटी, और ये है वोल्टेज। अब रेसिस्टिविटी है इसका आई इंटू एल, एल जी ये जो है हमारा लेंथ ऑफ वायर, मतलब हम वायर को कितना लंबा रखेंगे। फिर ये रेसिस्टिविटी क्या, रेसिस्टिविटी वायर जो है, जो वायर अभी हम इसमें लगाने वाले हैं अपने लोड में, क्या लगाएंगे, एल्युमिनियम या कॉपर, तो सबका रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। तो देखिए रेसिस्टिविटी ऑफ वायर, तार की जो है प्रतिरोधकता, इसका एक वैल्यू होता है बता रहा हूं अभी, और उसको डिवाइड करेंगे वोल्टेज, ये जो वोल्टेज ड्रॉप जो हमने निकाला अभी, तो ये जो 176 है, 176, तो अभी इसमें भी जो है
इसका हम 2% वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, ये वोल्टेज का निकालेंगे 2% वीडी वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। तो अब देखिए ये जो फार्मूला है इसके आधार पे जो है, अब मैं मान रख रहा हूं निकालने के लिए, देखिए जो कॉपर का रेसिस्टिविटी होता है कॉपर के लिए पर मीटर, ये देखिए ये जो रेसिस्टिविटी है ये कॉपर वायर तांबा का जो तार होता है उसके लिए है 1.72 पर मीटर, 1 मीटर में 1.72 जो है रेसिस्टिविटी होता है। तो अभी इसको क्या करेंगे, ओम में निकालेंगे, ये सॉरी पर ओम भी होता है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.0172। तो अब ये हमारा जो है ये रेसिस्टिविटी निकल गया, ये चीज जो है रेसिस्टिविटी। और आई तो हमें पता ही है, ये आई जो है आई मेरा यहाँ पे है 29 एम्पीयर, ठीक है। और यल जो है, यल तो कस्टम है, अभी हमको यल मतलब लेंथ को, वायर की लेंथ को कितना लंबा लेके जाना है, कितना लंबा वायर हम लगाना चाहते हैं उस हिसाब से रखेंगे। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे 100 मीटर लेके जाना है, तो आई हमारा दिखा दिया 29 एम्पीयर, 29 एम्पीयर, ये लेंथ को मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए 100 मीटर दूरी ले जाना चाहता हूँ मैं, 100 मीटर, ये हो गया 100। उसके बाद फिर रेसिस्टिविटी हो गया हमारा, यहाँ कैलकुलेट करने के बाद 0.0172 है, 0.0172। उसके बाद डिवाइड करेंगे वोल्टेज से, तो वोल्टेज ड्रॉप भी अभी निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप को निकाल के बताता हूँ मैं। ये देखिए अभी मान लीजिए 162 आया था, सॉरी 176 आया था हमारा वोल्टेज है, तो इसका 2% निकालेंगे, इसका जो है 2% निकालेंगे, जो सिंगल फेज होता है उसमें फेज जो है वायर के लिए होता है, वायरिंग के लिए और लाइटिंग के लिए, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप 2% निकालते हैं, और जो थ्री फेज होता है और मोटर होता है तो उसके लिए 5% निकालते हैं। तो क्या होता है, देखिए ये जो हमारा जो वायरिंग हो गया, वायरिंग और लाइटिंग में रिएक्टिव लोड होता है, रिएक्टिव लोड होता है, तो रिएक्टिव लोड में जो है 2% निकालेंगे वोल्टेज ड्रॉप, और जो होता है इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड का मतलब जो हाई करंट जो ड्रा करता है, यानी थ्री फेज में हाई करंट ड्रा होता है वो मोटर के लिए, तो मोटर के लिए क्या करते हैं 5% पकड़ते हैं, अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। तो अभी इसका 2% निकालेंगे, 176 वोल्ट का 2%, 100 से अभी 176, तो 100 सॉरी इधर देख ली, 176 × 2 बराबर 344 हुआ। अब इसको 100 से भाग देंगे तो आ गया 3.44। तो ये जो हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप निकला है, तो ये जो 3.44 आ रहा है, 176 वोल्ट का 2% आया 3.44, तो ये इसी से जो है इसको डिवाइड करेंगे अब। तो यहाँ पे जो हमारा ये था फार्मूला, ये वोल्टेज, तो यहाँ पे मेरा ये हो गया 3.44 वोल्ट। अब फ्रेंड्स इसको जो है, जो ये इतना है इसकी वैल्यू जो आएगी उसमें जो है इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा हमारा जो है स्क्वायर वेव निकल आएगा कि कितने स्क्वायर वेव की केबल हमको चाहिए। अब ये तो भर गया, चलिए इधर मैं समझा देता हूँ इतना। तो फिर हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा वैसे तो, ये हुआ। फिर इसको जो है अब जो है 3.44 से डिवाइड करेंगे, चौदह दशमलव पचपन, यानी कि फैन जो है लगभग ये हमारा 15 एम्पीयर आ रहा है, सॉरी 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 15 स्क्वायर mm आएगा, तो ये फैन जो है हमारा आ रहा है 15 स्क्वायर mm का, तो 15 स्क्वायर mm का तो वायर आता नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 5000 वाट का लोड है उसके लिए 16 स्क्वायर mm का वायर आता है, 16 स्क्वायर mm यूज करेंगे, तो 16 स्क्वायर mm का जो है वायर है वो यूज होगा। अब देख लीजिए सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज जितना वोल्टेज आपको देना हो, अभी तो मान लीजिए वोल्टेज सिंगल फेज था तो मैं 220 दिया था, 220 ठीक है। अब अभी मैं निकाला था 100 मीटर का, ये देखिए इसका जो लेंथ है यहाँ पे मैं डाला हूँ 100 मीटर, और जो ये एम्पियर है, तो लोड के अकॉर्डिंग जो है लोड, अभी लोड को कम करेंगे तो यहाँ एम्पियर में भी कमी आ जाएगी। और अगर आपको 100, मैं अभी 100 मीटर का निकाला हूँ, 10 मीटर 20 30 40 50 जो भी निकालना हो निकाल सकते हैं।
अगर कॉपर निकालना है तो कॉपर की ये जो रेसिस्टिविटी है ये वाली, ये इसकी वैल्यू यही रहेगी, और जो ये बोल्ट है बोल्ट तो वही रहेगा, फिर 210 होगा या 220, 230, तो भी 220 पे निकालेंगे तो भी जो जो वैल्यू आएगा वो उसके हिसाब से वायर लगाएंगे तब भी सही है, 220 पे निकालेंगे तब भी सही है। दोस्तों अभी ये मैं बताया सिंगल फेज कॉपर वायर के लिए ये फार्मूला था, थ्री फेज वाला आगे डालूंगा मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए।